बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आदिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले सेफ सिटी हेडलाइंस। आईजी पंजाब की जानिब से पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदाम, मजीद 11 लाख रुपए से जायद जारी कर दिए। 15 कॉल पर सेफ सिटी ने की खातून की बर वक्त मदद, सामान लेकर भागने वाला रिक्शा ड्राइवर को फौरी ट्रेस कर लिया। आरपीओ डीजी खाने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर खलील अहमद की बेटी का आला तालीम हासिल करने का ख्वाब पूरा कर दिया। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन फीस की अदायगी के हवाले से मुकम्मल तावुन की यकीन दहानी। रहीम यार खान पुलिस ने जुरत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुलजिम के फरार की कोशिश नाकाम बना दी। पंजाब भर से गुजश्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 56,684 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुईं। 4,189 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 41,271 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गईं। गुजश्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 4,000 इलेक्ट्रॉनिक चलान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 1,017 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। भक्कर में स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस सिटी दरिया खान का क्याम, डीपीओ भक्कर ने किया स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस सिटी दरिया खान का विजिट। मुख्तलिफ इजला में तैनात 7 पुलिस मुलाजमीन को तिब्बी खराजात की अदायगी के लिए रकम जारी कर दी गई। आईजी पंजाब के तिब्बी मसाइल से 2-4 अहलकारों और इनके अहल खाना के इलाज और मुआलजे में हर मुमकिन मावनत की यकीन दहानी। लाहौर पुलिस के कांस्टेबल मोहम्मद अतीक को बेटे और बेटी के आर्जा कैंसर, डिसिप्लिन ब्रांच के असिस्टेंट अबैदुररहमान को अहलिया और बेटे के आर्जा तनफ्फुस, कांस्टेबल मोहम्मद इरफान को बेटे की टांग के इलाज, रावलपिंडी के हेड कांस्टेबल शाहिद सलीम को अहलिया के कैंसर, रिटायर्ड DSP राना मोहम्मद शबीर अहमद को बेटे के कंधे के ऑपरेशन के लिए रकम, जबकि फालिज की बीमारी के शिकार रावलपिंडी के गाजी मोहसिन रजा शाह को जदीद इलेक्ट्रिक बेड फराहमी की मंजूरी दे दी गई। सेफ सिटी की बरवक्त कार्रवाई, खातून का सामान चोरी करने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार करवा दिया। सेफ सिटी टीम ने रिक्शे के रूट को ट्रेस करते हुए ड्राइवर ढूंढ निकाला और सामान चुराने वाले रिक्शे की तफसीलात, वीडियो और तस्वीर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फराहम कर दी। इछरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए सामान बरामद कर लिया। मुतासरा खातून ने सेफ सिटी और पुलिस का भरपूर शुक्रिया अदा किया। शहरी अपने गिर्द कानून की खिलाफ वर्जी पर फौरन 15 पर इतला दें। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रेडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रेडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 133 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 185, पंजाब यूनिवर्सिटी में 167 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 172 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोग मुख्तलिफ अमराज का बायस बन रही है, जिनसे बचने के लिए आपको माहरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोग से बचाने के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज आग ना लगाएं। ये स्मोग में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोग फैलाने वालों की इतला 15 पर दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। आरपीओ डीजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान का मुलाजमीन और इनकी फैमिलीज की वेलफेयर का सिलसिला जारी। यशवीन दुआ का फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवा दिया गया। यशवीन दुआ ने वालिद के हमरा रीजनल पुलिस ऑफिस में आरपीओ से खसूसी मुलाकात की। आरपीओ ने MBBS में एडमिशन पर बच्ची और वालिद को खसूसी मुबारकबाद दी और दिल जमी से मेहनत करके मुल्क और कौम और वालिदैन का नाम रोशन करने की नसीहत की। रहीम यार खान पुलिस की अहम कामयाबी, डकैत और चोर गैंग गिरफ्तार। रहीम यार खान पुलिस ने रॉबरी और डकैती जैसे 42 संगीन मुकदमात में मतलूब डकैत और चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। बरवक्त रिस्पांस और बहादुरी का मुजाहरा करने पर DPO रिजवान उमर गोंदल ने पुलिस टीम को शाबाश दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सेफ सिटी टीवी।